अभी वो ट्राम आ रही है इस साइड पे। अभी वो इशारा लग गया, तभी आपको दिखाता हूँ। तो ये स्टॉप है, ठीक है, ये एयरपोर्ट वाला स्टॉप है। इसको कहता हम किधर है संता मरीना, ये ट्राम आ गई है। तो अभी मैं वैसे आपको दिखाने के लिए आया हूँ, मैं ट्राम पे सफ़र नहीं कर रहा इस वक्त। ये हमारे पास टाइम है, तो अभी ये ट्राम चल रही है। इस वक्त मैं ये ऊपर स्टेशन है, आपको पहले भी बताया, नीचे ये सब कुछ दुकानें शॉप वगैरह इस तरह के, मोबाइल शोबाइल और क्लॉथ शूज़, ये विंडो वाली दुकान है जहाँ से हम सिम वगैरह देते हैं। दो दिन पहले एक भाई के लिए ली है। इस तरफ शूज़ और इस तरफ लड़कियों का सामान, मेकअप, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, आपको दिखाते हैं। वैसे बेसिकली मैंने एक व्लॉग पहले अपलोड किया था शुरू में, जब मैंने चैनल बनाया था, तो वो तो काफ़ी टाइम, बहुत तकरीबन मेरे ख्याल से एक साल गुजर गया है। तो अभी हम ये व्लॉग बना रहे हैं, तो आगे चलते हैं, जो चैंत्रो सेंटर है वो आपको दिखाते हैं। ये स्टेशन रह जाता है, इस साइड पर मैकडोनल्ड है, ठीक है, ये मेन शहर है, ठीक है, मेन सिटी में है। वो सामने जो ये चैंत्रो प्यासो दोमो है, अभी हम वहाँ पर जाएंगे। ये देखें, ये ट्राम तकरीबन पूरे फिरेंजे में जो जो जगह मशहूर है या ऑफिस है, सब जगह पे जाती है ट्राम। तो आज से 8 साल पहले नहीं थी, ये तकरीबन कुछ चंद साल हुए हैं, तकरीबन मैं जब नया नया था उस वक़्त नहीं थी, क्योंकि 8 साल मुझे हो गए थे। अभी ये सिस्टम सारा चल रहा है 8 साल के बाद। ये मैंने टच किया, अभी यहाँ पर इशारा रेड हो जाएगा और हम गुजर सकते हैं। अभी ये रोड मुझे याद है, तकरीबन 8 साल पहले जब फर्स्ट टाइम मैं इटली में आया था, भाई जुवेद और मुबशर भाई और हमारे साथ एक दो और दोस्त थे, जुवेद भाई हमें लेकर यहाँ पर आए थे। इस रोड पे कुछ मेला लगा हुआ था, तो ये रोड मुझे याद है उस दिन से, क्योंकि पहले दिन मैं इस रोड पे आया था। स्टेशन से आए थे ट्रेन पर और इस साइड पे गए थे, इस साइड पे। तो वो जो सामने आपको ट्रैफिक लाइट नज़र आ रही है इस साइड पे ना, वो था। तो तकरीबन 8 साल गुजर गया, अभी भी वो दिन मुझे याद है। तो क्योंकि प्रातो इतना बड़ा शहर नहीं है, बड़ा है लेकिन फिरेंजे जितना बड़ा नहीं है। तो जब फिरेंजे देखा, मैंने कहा अभी कुछ पता चला कि हम यूरोप में आ गए हैं। तो बहुत गपशप लगाते थे, तो आपको पहले बताया कि जब दोस्तों के साथ निकलते हैं वो भी एक अलग मज़ा होता है। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये हमारे ये कोई बंगाली भाई हैं जो सैर करवाते हैं इन झूलों पर। ये जो साइकिल बना हुआ है, मेरे ख्याल से 10-12 यूरो लेते हैं। हम जो फिरेंजे की मेन पॉइंट है, उन जगह की सैर करवाते हैं। ये कुछ इस तरह के सीन है। इस साइड पे पोंते वेक्यू आएगा, जो सोने का पुल बना हुआ है, नाम उसका इस तरह है, लेकिन उस पे ना शॉप्स जितनी भी हैं वो सोने की हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी पहले इसका आपको मुकम्मल व्यू चेक करवाता हूँ।
ये देखिए, एक दिन वो आएगा रहमान अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आएगा। अभी छोटा है ना, बड़ा होने फिर देखें। अच्छा, इतना ज़्यादा रश नहीं है, इतने ज़्यादा लोग नहीं है, क्योंकि बेसिकली ना तो आज इतवार है, ना आज हफ्ता है, ना जुमा है, तो बुध वाला दिन है, तो इसलिए। नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा, और कुछ कोविड का भी मसला है, तो नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आता है सैर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं कुछ देखने के लिए। तो आप सभी को पता है कि इटली एक तारीखी मुल्क है ना, तो इसलिए। तो ये कुछ लेडीज़ पर्स हैं, जेंट्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लेदर का जो इस तरह का सामान होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये देखिए, और इस तरह का कुछ मंजर है। मैंने कहा जितने भी ब्लॉग बनाया, कुछ थोड़े नॉर्मल होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो पीसा टावर का बनाया। जिसने भाई ने नहीं देखा, जल्दी से जाए चैनल पे और इससे पहले वो वाला ब्लॉग देखें, बहुत अच्छा है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि किस तरह का ब्लॉग है, फिर बंदे का थोड़ा हौसला यार ज़्यादा हो जाता है। हौसला आपकी वजह से ही तो मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको अच्छी लगी है तो बनाता, नहीं तो फिर और नेक्स्ट वीडियो। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि कैसी वीडियो लगी है आपको। ये आप देखिए इस तरह के हैं। ये सब गोल्डन सोने की दुकान है, ये सब इस वक्त मैं पुल के ऊपर मौजूद हूँ। ठीक है, ये देखिए इस साइड पे भी, ये आगे भी है। अभी आपको जो नहर है वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इतने ज़्यादा ताले लगे हुए थे, वो इन्होंने उतार दिए हैं। जो आते थे ना यहाँ पर मोहब्बत का एक ताला लगा कर जाते थे, अभी वो उतार दिए इन्होंने। इतनी ठंडी हवा चल रही है, आहिस्ता बहुत अच्छा मौसम है यार। अच्छा, जेल मैंने लगवाई थी बालों को, अभी तक खराब नहीं हुए। यही तो एक मौज है जेल की। अभी आप देखें यार, ये बैक साइड पे जो नहर है, इसमें पाकिस्तान की याद आ रही है। सच पूछें तो आपको दिल करता है यहाँ पर एक छलांग लगाऊं। आज तो पाकिस्तान ही याद आ गया नहर देखकर। एक और मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, वेरोना गया था, वहाँ पर जो नहर थी वो बिल्कुल सेम पाकिस्तान जैसी थी, इतना तेज़ पानी और साफ, बिल्कुल सेम जिस तरह पाकिस्तान में नहर होती है उस तरह था। ये देखिए, ये जो बैक साइड पे ये सब है, ये पुंते बैक जो पुराना पुल है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मुझे कुछ इंडियन दोस्त मिले हैं, उनसे थोड़ी गपशप लगाई है। तो उनके पास एक नॉर्मल मोबाइल था, तो उससे पिक्चर बनाया, थोड़ी साफ़ नहीं आ रही थी। तो मेरे पास आईफोन था, तो आईफोन 11 प्रो मैक्स मेरे पास है ना, भैया को वैसे भी आपने देखा होगा ये वाला। ये BMW का मैंने कवर लगाया हुआ है स्पेशल, एक दोस्त ने मुझे मंगवा कर दिया था इंटरनेट से, ओरिजिनल है। तो उनकी मैंने एक दो पिक्चर इससे बनाई है, तो वो कहते हैं यार इस तरह का मोबाइल लेना चाहिए जिससे पिक्चर तो साफ आती है। तो अभी उन्होंने अपने व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो कहते हैं इस पे आप सेंड कर दें, क्योंकि आईफोन पे सेंड तो हो जाती है ब्लूटूथ के ज़रिए, तो बेसिकली नॉर्मल जो है व्हाट्सअप पे सेंड होती है। समाज के आदमी चला जाता है बार बार इस तरह।
अभी आगे चलते हैं, अभी आगे एक और जगह है वो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे आगे चलते चलते फिर घर चलेंगे। तो बहुत प्यारा सीन बना हुआ है ये भी जो आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा है। अभी बेसिकली यहाँ पर तो भी और काम हो रहा है, तो अभी आपको दिखाता हूँ इस साइड पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये टावर बना हुआ है, तो अभी और आपको दिखाता हूँ आगे। ये जो सामने जगह नज़र आ रही है ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इस जगह पे सूर्य नहीं है, धूप नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर खड़ा होने का भी मज़ा आ रहा है। उस साइड पे थोड़ी ना गर्मी है। ये टंगा रेडा पाकिस्तान वाला, इस तरह का सीन है। तो पहले हम जो साथ वाली गली है उस साइड से आए थे, अभी इस गली से जाएंगे वापस जो चैंत्रो है उस साइड पे। इस तरह आपको दिखाता हूँ, तो पहले हम आए थे वो इस साइड की साथ वाली गली है, तो अभी हम इस साइड से वापस जाएंगे। और काफ़ी यहाँ मैकडोनल्ड पे जूस पीते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो गर्मी थोड़ी थोड़ी मुझे भी महसूस हो रही है अभी, तो थोड़ी प्यास लगी हुई है, तो वो क्लियर कर लेंगे। ये हमारा किसी ज़्यादा है डिलीवरी बॉय, ये कोई डिलीवरी लेकर जा रहा है ग्लोबो की। हमारा शेख आ चुका है यार, बहुत जरूरी है, गायब भी नहीं आ रहा आगे। अभी आगे हमारी ट्रेन नहीं मैंने देखी जो वापस घर की तरफ जाती है, अभी वो चेक करेंगे। तो वैसे मैं मुझे एक काम है तकरीबन 8 बजे ना, तो उससे पहले मैं फ्री हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो बाहर निकलते हैं। तो पहले ये ख़त्म करते हैं, उससे फिर आगे घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट में इतना ही टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर फ्री आज़ाद। ये है हमारी ट्रेन जो बोरगोनोवा स्टेशन पर भी रुकेगी। अभी हम दूसरी मंजिल पर बैठते हैं। टिकट है हमारे पास, क्योंकि दूसरी मंजिल पर वो बैठते थे उनके पास टिकट नहीं होती कंट्रोल वाले से जो चक्कर होता है उससे बचने के लिए। हमारे पास सब कुछ है, तो हम इधर बैठेंगे। अभी भी ऐसी चला हुआ है, ठंडी हवा, बाहर अभी थोड़ी गर्मी थी। तो वो है सामने इतालो फ्रेचर जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वो इतालो है, वो फ्रेचर सुने उसके साथ होगी तकरीबन सेम इसी तरह की वो भी है ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है प्रातों के लिए, तो अभी बाहर निकल रही है, आप देख सकते हैं।
वक्त अभी हम पहुंच चुके हैं बोर्गोनोवा स्टेशन पे, अपने स्टॉप पे। इस साइड पे गाड़ी है, पहले आपको मैंने दिखाई थी। तो अभी हमारे पास टाइम हो चुके हैं 7:31 हो चुके हैं। तभी वापस हम घर चलते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।